हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं कोई नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज क्या करने वाले हैं, आज स्पेशल ये होने वाला है कि आज मैं और विक्की अभी निकल रहे हैं, आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए सुबह, तो मैं और विक्की निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बुफे ब्रेकफास्ट। तो हम लोग यहीं पास में जा रहे हैं, हमारे घर के काफ़ी पास में है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मैंने कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। नॉर्मल हम अलग आटे करने के लिए जाते हैं, तीनों के साथ मैं गई हूँ काफ़ी बार, बट विक्की कभी नहीं गया है वहाँ पर, तो आज वहाँ जा रहे हैं फाइनली। और आज वीक डे है तो हम वीक डे में जा रहे हैं, तो यस आई एम एक्साइटेड। तो फटाफट से चेंज करती हूँ, और चेंज क्या मतलब, मैं थोड़ा ट्रैक सूट वाला जो होता है ना वो पहन लूँगी, जाऊँगी तो मैं ऐसे ही कपड़ों में ताकि आराम से खाना खा सकूँ। सो यस चलिए चलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली रिट्रीट बुफे ब्रेकफास्ट करने। भाई लास्ट ईयर से सोच रही थी मैं जा रही हूँ, तो आज मैंने पहले कॉल करके कंफर्म किया कि क्या आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी है, इसलिए हम आज वीकडे में जा रहे हैं क्योंकि वीकेंड्स में प्री बुक्ड रहता है वो। और हमारे एक फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो लेट्स सी। उन्होंने बोला था कि तुम वेट मत करना, निकल गए वो लोग भी घर से, अगर आ पाए तो आ जाएंगे, नहीं आ पाए तो नहीं आ पाएंगे, हम अपना खाना स्टार्ट कर देंगे वैसा है। Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत चीज़ों की फार्मिंग भी देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ अजवाइन लगा हुआ है, मिंट लगा है, ये कॉलीफ्लावर लगा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों की फार्मिंग होती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होटल इज़ कि 70% यहाँ का जो भी फूड होता है वो इन्हीं के ही फार्म्स में, मतलब वो लोग लगा उन्हीं के फार्म्स का होता है इन शॉर्ट, और जो बाकी का 30% होता है वो ऑयल वगैरह तो ऑब्वियसली यूज़ करते ही हैं बाहर का, तो ऐसे 70% यहाँ का ही रहती है सारी चीज़ें। तो लेवल का खाना खा लिया है मैंने, सिर्फ थोड़ा सा खाना गए हैं। अब यहाँ का माहौल ऐसा, इतना पीसफुल म्यूजिक चल रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है, धूप लग रही है धीमी धीमी मीठी मीठी, तो मुझे बस ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ, लिटरली ऐसा लग रहा है कि मुझे सो जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा
सुंदर बनाया है इसको, मतलब आप देखो ना ये गोबर से लीप करके सिटिंग एरिया बनाया है। होटल है ये भोपाल का वन ऑफ द एक्सपेंसिव, मतलब यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव। जो ताज और रेडिसन है ना वो भी इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है जितना ये है यहाँ का जैनुमा रिट्रीट। तो हम लोग यही हंस रहे हैं कि घर वालों को लेके आ जाएंगे ना तो जूते चप्पल उतार उतार के मारेंगे कि सालों हम लोग तो यही गाँव देख करके आए, मतलब तो ये गाँव दिखाने के लिए अब उनको शहर के अंदर 25,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो बहुत ही मारेंगे, सच में बहुत मारेंगे। ये गोल्फ गार्डन है, बड़े हुए हैं। होटल की बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर ही इनके होटल में ही फार्मिंग होती है, बहुत सारे फार्म्स हैं इनके और उसी का खाना खाते हैं। चक्कर बहुत मार चुकी है पूरे खाने में, सिर्फ ये टेस्टी है। आपको समझ में आ गया होगा कि जहनुमा रिट्रीट आए तो क्या खाएं? ये कि टेस्टी नहीं है, मतलब सब ठीक ठीक है पर मुझे क्या यहाँ पर भाई थोड़ा वैसा खाना बनता है ऑलिव ऑयल में, फिर उसके बाद कम तेल मिर्ची वाला। अब हम हैं प्रॉपर इंडियन फूड खाने वाली पब्लिक, हम्मस में मज़ा नहीं आता यार। इससे तो अच्छा अचार डाल दो, चटनी डाल दो, हरी जैसे ये है। हाय एवरीवन, सो मैं मुझे आई थिंक 4-5 डेज हो गए, 4 डेज ना 4 डेज हो गए अपनी मम्मी के घर आए हुए। तो मैं यहाँ पर आई थी, मैं जिस दिन आई हूँ उसके एक दिन पहले, मतलब जिस दिन मेरे पापा का बर्थडे था उसके एक दिन पहले मैं आ गई थी यहाँ पर। के बाद बाकी के कंटिन्यूस बैक टू बैक जो 3 डेज उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट आज मुझे एक व्लॉग डालना था day 4 वेडिंग डे वाला, वो भी मैं भूल गई, तो मैंने अभी जस्ट एडिटिंग किया है, कल अपलोड करूंगी। मतलब आज स्किप हो गया मेरा जो व्लॉग है वो भी, और आज मैं जा रही हूँ बिकॉज कल मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, कल मेरी एक मीटिंग है ऑनलाइन तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। काइंड ऑफ ऑडिशन भी आप बोल सकते, नॉट एग्जैक्टली ऑडिशन बट किसी एक ब्रांड से थोड़ा डिस्कशन एंड मीटिंग टाइप का है, कोलैबोरेशन में ही है बट वो यूट्यूब के लिए नहीं है, किसी और ऐप एंड प्लेटफॉर्म के लिए है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं वो चीज़ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, सो दे वॉन्ट मी टू गिव अ प्रॉपर, जिस तरीके से उनको चाहिए वैसा उनके पैनल के सामने मुझे बोलना होगा, सब ऑनलाइन ही होगा तो वो कल होने वाला है। मैंने उनको टाइम दिया है 3 से 4 का, तो कल मेरा वो है इसलिए भी मैं आज निकल रही हूँ, और मेरे को 2-3 ब्रांड शूट्स भी करने हैं। तो ऐसे ही चिल मारने के लिए आई थी मैं यहाँ पर। यहाँ पर आती हूँ तो मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। आज मेरी मम्मी ने बनाई है इडली, और इडली सांभर और फ्राइड इडली और मसाला इडली, वो ऐसी वाली जो बनाती है, अगर आप पुराने मेरे फॉलोअर्स हो तो पता होगा। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास रिगार्डिंग जब मैं ये मेरे पापा के जो फ्लावर्स वाली पिक्चर्स है वो जब मैं डालती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी सॉइल यूज़ करते हो। वैसे कुछ स्पेशल नहीं करते हैं क्योंकि वो सेम चीज़ मेरे मदर इन लॉ को भी दे चुके थे, बट वहाँ नहीं आते, यहाँ आते हैं, वो पता नहीं क्या है। जबकि ये जो प्लांट्स भी है ना, ये कुछ तो जो रोज़ प्लांट्स हैं वो 15-15, 12 ईयर्स पुराने हैं, बट टचवुड काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं, ब्लूम होते हैं विंटर में। एंड अभी उल्टा जब मैं 2 मंथ पहले आई थी ना, अक्टूबर में कटिंग किया था उसके बाद का ये ब्लूमिंग है, तो कटिंग वटिंग करना चाहिए वैसे तो। Running from all things at once without thinking twice, and I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, gotta stay here for some time. Okay
गाइस, आई एम बैक होम और अभी घर आई हूँ, तो जो मेरे अमेजन के पार्सल्स आए हैं उनको जस्ट मैंने ओपन किया है। तो कुछ चीज़ें मंगवाई थी मैंने विक्की के लिए, विंटर वेयर मंगवाया, मेरा तो विंटर वेयर सॉर्टेड हो गई हूँ मैं तो, वही क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते थे तो विंटर वेयर हम परचेज ही नहीं करते थे। विक्की का जो विंटर वेयर वो पहनता था, जैकेट उसके पास काफ़ी अच्छी सी एक जैकेट थी, उसको ऑलरेडी 10 साल हो गए, डेफिनेटली उसमें कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने विक्की को बोला वो अपन किसी को दे देते हैं, आपके लिए नया ले लेते हैं, इतने साल से देख देख के बोर भी हो गए। तो सो फर्स्ट इज दिस वन, पूरा पहले लगा के लुक बताओ। हाँ, तो ये मोंटे कार्लो की है एंड बहुत अमेजिंग लग रही है। यहाँ से फैब्रिक पैटर्न है और ये थोड़ा क्विल्टेड स्टाइल में दिया हुआ है, स्लीव्स पे पूरा क्विल्टेड बना हुआ है एंड दिस इज़ अ हुडी स्टाइल। और ओपन करके बताओ, इसमें भी जिप में यहाँ पर ये है, जिपर्स लगे हुए हैं, जिपर्स दिए हुए हैं एंड ओपन करके अंदर का फैब्रिक बताओ इसके। अंदर वही है, नॉर्मल इस टाइप का फैब्रिक है ये भी जो इसने पहना हुआ है ना, इवन ये भी जो बॉटम्स है ये भी अमेजन का ही है। सो दिस इज़ अ होल अमेजन लुक। और ये वाली जैकेट जो है ये भी हमने अमेजन से लिए है। हाँ, तो कैसी लग रही है आप? और सबसे बेस्ट पार्ट जो देख के मैं जेलस हो रही हूँ, ये माय गॉड लुक एट दिस गाइस, मखमल वाला कपड़ा है। मैंने दो जैकेट्स मंगवाई, उसमें किसी में भी ये नहीं आया। मैंने दो जैकेट मंगाई, देखो दोनों एक से बढ़ के आए। बढ़िया पॉकेट्स में भी यहाँ पर जिप दिया, नहीं नहीं यहाँ पर मैं बता रही हूँ जिप दिया हुआ है, जिप दिया है, सो यू कैन कीप योर मोबाइल और ये सब। क्वालिटी कैसी लगी? क्वालिटी बहुत अच्छी। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग? इट्स प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इट्स वेरी गुड। मॉल्स में इतने प्राइस में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। अपन ने पापा लोगों के लिए जो जैकेट ली है तो 4,000 के लिए, वो इससे बेहतर नहीं। हाँ, ये वाला जो जैकेट है ये भी अगेन मोंटे कार्लो का है, जो कि मैं पहनती हूँ, मैं दिखा चुकी हूँ उसको। तो इसको और जो मैंने दूसरा एक और मंगवाया था वो दोनों मैं पहन रही हूँ, जो मैं पहन के भुवनेश्वर गई थी। और तीसरा जो मैंने एक और जीन्स मंगवाया है, तो मैंने ये वेरोमोडा का जीन्स मंगवाया और मुझे ना इसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जितने भी मेरे लॉन्ग जीन्स है या तो वो क्रॉप, मेरे मोस्टली जो जीन्स है वो क्रॉप्ड पैटर्न में है, मुझे क्रॉप पैटर्न अच्छे लगते हैं, एंकल लेंथ जो होता है ना वो है। तो मुझे थोड़ी लॉन्ग विंटर के लिए जीन्स चाहिए थी एंड डेफिनेटली मुझे फिटेड जीन्स नहीं चाहिए थी, तो मैंने वेरोमोडा की जीन्स मंगवाई एंड आई वॉज frankly speaking not expected the quality, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा था लूज होगी, टाइट होगी, ऐसा कुछ आएगा, बट मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये है वो जीन्स एंड लुक एट द, इसका हाई वेस्ट जीन्स है एंड ऊपर से पूरा एकदम प्रॉपर फिटेड है, यहाँ पर भी बैक फिटेड है, देन यहाँ से ये लूज होना स्टार्ट हुआ है, तो आप आराम से पैर फोल्ड करके बैठ सकते हैं एंड पूरी लॉन्ग है, कंफर्टेबल है। मतलब मैं तो जब जीन्स पहनती हूँ, जब भी मैं जीन्स परचेज करती हूँ पूरा स्ट्रेच होकर के बैठ करके देखती हूँ। बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगवाई है वो मंगवाया है ये फ़ोन का कवर। तो मैं वैसे तो अपने फ़ोन के कवर काफ़ी ज़्यादा चेंज करती रहती हूँ, बट काफ़ी टाइम से मैंने चेंज नहीं किया था, मैं वो ग्रीन वाला एक जो कवर है ना वो यूज़ कर रही थी। तो अभी मैंने ये गोल्डन एंड रोज़ गोल्ड बॉर्डर में कवर मंगवाया है एंड साथ में ये रिंग लेक मंगवाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। एंड अभी मैं करने वाली हूँ अपने नेल्स पे थोड़ा सा नेल पेंट लगाने वाली हूँ, बिकॉज़ ये देखिए नेल्स कितने ख़राब हो रहे हैं, ये सामान फैला पड़ा हुआ है, इसको सॉर्ट कर लेती हूँ और फिर लगाती हूँ नेल पेंट। ओके गाइस, आई एम डन विथ माई नेल्स एंड ये रहे मेरे फ्रेंच नेल्स, आई एम एक्चुअली लविंग इट, मैंने खुद ही घर पे कर लिए, नाउ लेट्स सी कि कितना लास्ट करते हैं ये। सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियोज, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।